हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतलामी जायका विद अलमास खान। आज हम व्रत स्पेशल साबूदाना वड़े बनाएंगे, तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। व्रत स्पेशल साबूदाना वड़े बनाने के लिए हमने एक बोल पूरा साबूदाना, जिसको हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से नरम हो चुका है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हमने इसमें डालने के लिए, क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें काली मिर्च ली है, ये हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया जिसको हमने बारीक कट करके रखा हुआ है इसको भी हम, और ये मूंगफली दाना जिसको हमने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है, तो ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये हमने बॉईल किए हुए आलू हैं, इसको भी हम इसमें मैश करके डाल के सबको मिक्स कर लेते हैं, तो इसको भी हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ये इसमें हम 1 टीस्पून इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इस तरीके से हमको सारी टिकियां बना लेनी है। आपने सबसे अच्छी साबूदाने की टिक्की कहाँ खाई और उसको वो आपको कैसी लगी, उसका एक्सपीरियंस आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एक एक करके डालते जाते हैं। गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। इसको हम पलट देते हैं और ये नीचे से देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो ये दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट में सिक जाएंगे। ये सब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी तल लेते हैं और इसको हम निकाल लेंगे।